मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर में आयोजित 34वें ऑल इंडिया एडवोकेट्स क्रिकेट टूर्नामेंट एवं प्रथम अखिल भारतीय महिला क्रिकेट स्पर्धा का शुभारंभ किया। सीएम ने स्पर्धा का शुभारंभ करते हुए ट्रॉफी का भी अनावरण किया। राजधानी रायपुर में 21 से 28 दिसंबर तक आयोजित होने वाले टूर्नामेंट का आयोजन छत्तीसगढ़ एडवोकेट्स क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में किया गया है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस संजय अग्रवाल तथा जस्टिस सचिन सिंह राजपूत विशेष रूप से उपस्थित थे। मुख्यमंत्री बघेल ने कार्यक्रम में खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन करते हुए कहा कि भले ही यह क्रिकेट टूर्नामेंट है, लेकिन साथ ही यह देश भर के विद्वान अधिवक्ताओं का सम्मेलन भी है। 34th ऑल इंडिया एडवोकेट्स क्रिकेट टूर्नामेंट जो कि इस बार होस्ट मिला है छत्तीसगढ़ को, ये 34वां एडिशन है, 1989 से स्टार्ट हुआ। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे छत्तीसगढ़ श्री भूपेश बघेल जी ने इसका उद्घाटन, औपचारिक उद्घाटन आज किया है और कल से लीग मैचेस स्टार्ट होंगे। लीग मैचेस जो 20 टीमें हैं 10 ग्राउंड पे खेलेगी, जिसमें 5 ग्राउंड रायपुर के रहेंगे, 4 ग्राउंड दुर्ग और भिलाई के और 1 ग्राउंड धमतरी का रहेगा। यानी कि इन पूरे 10वें ग्राउंड पे 22 23 और 24 दिसंबर को लीग मैचेस होने हैं। और लीग मैचेस में जो टीमें अपने अपने पूल पे, टोटल 5 पूल हैं ए बी सी डी और ई, इन 5 पूलों में जो टॉप की 8 टीमें होंगी, टॉप 1 जो टीमें होंगी रैंक 1 वो डायरेक्ट क्वालिफाई करेंगे और बाद की जो टीमें उनमें से जो 8th पोजीशन 7th पोजीशन और 6th पोजीशन के लिए जाएगा उन लोगों के बीच होगा क्वार्टर फाइनल मैच। और क्वार्टर फाइनल मैच खेला जाएगा 26 को 4 ग्राउंड में, 27 को सेमीफाइनल और 28 को ग्रैंड फिनाले होगा। इंटरनेशनल स्टेडियम हमारे छत्तीसगढ़ का जो गौरव है, इंटरनेशनल स्टेडियम वहाँ पर होना है। इसके अलावा 25 को रेस्ट डे होगा और 25 को ही वुमेन्स क्रिकेट का आगाज़ होगा। उस दिन हम महिला आयोग की चेयरमैन के माध्यम से इसका शुभारंभ करेंगे और साथ में बहुत सारी डिग्निटरीज हमारे साथ होंगी, उनके माध्यम से हम महिला क्रिकेट को भी इस साल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्रिकेट एसोसिएशन फॉर एडवोकेट्स इन इंडिया के बैनर तले और होस्ट है छत्तीसगढ़ एडवोकेट क्रिकेट एसोसिएशन। महिला टीमों में बैंगलोर की टीम आ रही है और अभी चल रही है चर्चा कि शायद गुजरात भी आ सकती है, और बाकी 3 टीमों के बीच ये मैचेज होंगे। 3 टीमों में से जो टॉप 2 टीम होगी वो भी 28 को फाइनल खेलेंगी। तो कुल मिलाकर ये 8 से 9 दिन जो होगा बहुत ही टूर्नामेंट बहुत ज़बरदस्त होने वाला है और रात्रिकालीन भी बहुत सारे इवेंट्स होंगे, इंटरटेनमेंट्स होंगे, ये आपको समय समय पर बता देंगे हम। कितने राज्य के टीमें शामिल हो रही है? देखिए इसमें 20 हाई कोर्ट की टीमें हैं, जिसमें 1 सुप्रीम कोर्ट है और 19 हाई कोर्ट की टीमें हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की है, तेलंगाना है, और अगर मैं नाम कहना चाहूँ तो अलाहाबाद है, औरंगाबाद है, आपका आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना, दिल्ली, बॉम्बे, सारे मतलब ओवर टू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, पंजाब हरियाणा की टीम, सारे जगह के लोग हैं यहाँ पर, पूरा एक संपूर्ण भारत खेलने वाला है। तो टीम जैसा कि हमारा मोटो है कि क्रिकेट फॉर फ्रेंडशिप एंड छत्तीसगढ़ में आओ इंचे के हो जाओ। तो आप सभी देखते रहिए न्यूज़ 21+ और जुड़े रहे हमारे मैचेस क्रिक हीरोज में, लाइव आएंगे, लाइव मैचेस भी देख सकते हैं, लाइव स्कोरिंग चलेगा, तो सारे मैचेस आप लुत्फ उठा सकते हैं। थैंक यू। एडवोकेट्स क्रिकेट टूर्नामेंट है ये, इसकी शुरुआत हुई 1989 में, ये 34वां ऑल इंडिया टूर्नामेंट है और जिम्मेदारी इस टूर्नामेंट को लेने के करने के लिए लिए हैं छत्तीसगढ़ एडवोकेट्स क्रिकेट एसोसिएशन, प्रेजिडेंट फैजल रिजवी, अनुज का सारा टीम इसकी जिम्मेदारी लिए हैं। ये एक हफ्ते का प्रोग्राम है, ये क्रिकेट फॉर फ्रेंडशिप के मोटो से ये शुरू से चले आ रहा है। हिंदुस्तान भर से लोग आके खेलते हैं इस टूर्नामेंट में, 20 टीम्स आ रही हैं खेलने के लिए, और हिंदुस्तान के अलावा इसी मोटो के साथ हम दुनिया भर में जाकर के इंटरेक्शन किए हैं, खेले हैं, बार वालों से मिले हैं, जजेस से मिले हैं। उसी तरह हमारा एक लॉयर्स क्रिकेट वर्ल्ड कप भी होता है, जैसा आज यहाँ पर 34th ऑल इंडिया एडवोकेट्स क्रिकेट टूर्नामेंट है, उसी तरह 8th लॉयर्स क्रिकेट वर्ल्ड कप होने जा रहा है अगले साल में बेंगलोर में, 14 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक। और सबसे ख़ास बात इस टूर्नामेंट का ये है, पहली बार इतिहास में छत्तीसगढ़ के कोशिश में, उनकी मेहनत से पहली बार वुमेन लॉयर्स क्रिकेट टूर्नामेंट भी होने जा रहा है, वो 25 दिसंबर से 28 दिसंबर तक है। वो ये है ये खासियत इस टूर्नामेंट का। 20 राज्य हैं।